शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 7 न्यूज चैनल, मैं हूं जुगल किशोर। शेर ने फिर एक बच्चे पर किया हमला, वन विभाग दिख रहा है मौन। खेत में पत्ती लेने गया था बच्चा, शेर ने हमला किया। बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये कोई नया मामला नहीं, आए दिन होती रहती है ऐसी घटनाएं। तुम्हारा क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? मिर्जुआ क्या हो गया तुम्हारे साथ? कहाँ पे था? और आप क्या कर रहे थे वहाँ? पत्ती ले गए थे। और फिर काट के कहाँ भागा? गड्ढे में घुस गया। सुनीता, आप जो लड़का अभी शेर का काटा हुआ आया है, उसकी कौन है? उसकी मम्मी जी। क्या दिक्कत है, क्या हुआ लड़के के साथ? काट दिए। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा गांव है आपका? लगता है। थाना कौन है? अच्छा, लड़का खेत में क्या करने गया था? पत्ती काटे गया। ये कई बजे का मामला है? कल 4 बजे के टाइम है। और कोई परेशानी है बच्चे को? बस जी, खाली दिमाग पर चोट लगी है, जब तक मतलब के मुहिमा आवो उतना काटे लिए चलेगा। और फिर उसे काटने के बाद किधर भाग गया? वो गन्ना मर रही थी, दूसरा लड़का साथ में रहा, वो चिल्लान पर भी बाहर निकल के भाग, वो खेत में भाग गिरते रहेगा आप के खेत। डॉक्टर साहब, अभी जो एक लड़का आया हुआ है शेर का काटा हुआ, इसमें क्या बोलना चाहते हैं आप? इसमें इसको इंजरी हुई, जैसा ये बता रहे कि खेत में जा रहा था गाय पशुओं को चराने के लिए, उसी टाइम पे वो छुपा हुआ बैठा था बाघ, और उसने इसके ऊपर हमला किया, जिसमें हल्का सा इसका स्किन रिमूव करके लेके गया है, वो थोड़ा डीप है, वो इंजरी हुई है, लेकिन बच्चा कॉन्शियस है, ठीक है, अभी उम्मीद करते हैं स्टेबल होगा, जल्दी सही होगा, घर जाए। ये कहाँ से आया हुआ है सर? ये मोतीपुर साइड से कोई गांव का है। अच्छा, और कोई दिक्कत की तो बात उसमें नहीं है? नहीं, दिक्कत तो अभी ऐसा नहीं लग रहा है, बाकी इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट सारे दे दिए गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिकवर होकर बच्चा घर जाएगा। थैंक यू।